आशा मेरी बात को सुनो, अरे काहे आशा काहे आशा तू आशो बहाती बहाती काहे आशा तू आशो बहाते बात को सुनो बोला भैया छे अविनाश से भाई क्या बात है बहन, जो घर में बैठकर आंसू बहा रही है, क्या आंसू का कारण मुझसे नहीं बताएगी? भैया मैं जरूर बताऊंगी भैया। बोलो बात क्या है भैया। अविनाश तो कहिए घर के लीला पता ना है ना भैया, अमितवा और आपके पत्नी दोनों गजब के खेल खेलता है भैया। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती भैया। सही हो जाएंगे हर जिंदगी ठोक करी अमितवार की सदा ही खाएंगे, और जिसको समझा मैं बेटा जिसको समझा मैं बेटा करके मरिया बेटा।
बादशाह, अगर तेरी बातें सच निकली तो सारी जिंदगी हमें तुम्हारा ठोकर खाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाएगा। भैया सबसे पहले मुझे बता कि दोनों है कहां पर। मैं जरूर बताऊंगी भैया, लेकिन भैया अविनाश हम कैसे बताएं भाई? अगर बताओगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा। भैया अविनाश जब वो दोनों आपस में प्यार कर रहे थे ना भैया, तो क्या हुआ? मैं बोली कि अरे अमित तू ये क्या कर रहा है। अमितवा कहने लगा कि तू कौन होती है पूछने वाली, इस घर का मालिक मैं हूँ, जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, तुझसे मतलब नहीं है। अमितवा गुस्से में आकर मुझे मारने लगा भैया, इतने में भाभी उठकर मुझे मारने लगी। अचानक भाभी का पैर दरवाजे में लड़ गया, अमितवा उसको लेकर हॉस्पिटल गया है भैया। उस साले की हिम्मत और जरूरत की दोनों मिलकर मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया। बहुत मारन, घबराओ नहीं बहन, आलो मेरे बात मैं तेरे सामने पूछूंगा। अगर ये बात सच निकली तो ऐसा सबक दूंगा कि देखने वाले इंसान की रूह कांप जाएगी। भैया अविनाश, क्या बात? आप मेरी एक और बात मानेंगे? तेरी एक बात नहीं, हजारों बात मानने के लिए तेरा भाई तेरे पास खड़ा है, बोल कहना क्या चाहती है? तो भैया अविनाश मेरी बात मानिए, आप अमित को कुछ भी नहीं, आग लगा करके पानी डालना छोड़ दे, आग लगा करके पानी डालना छोड़ दे बहन आशा, नहीं तो सोच लेना कि मुझसे बुरा इंसान इस घर में कोई नहीं होगा। जिस वक्त दोनों मेरी नजरों के सामने दिखाई देंगे मैं दोनों को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। भैया अविनाश आपके इसी गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है, कहीं गुस्से में आकर अमितवा को अगर मार दिया और वो मर गया। मार जाने दे साले को, ऐसे भाई की शक्ल देखना पाप है जो घर की मर्यादा को मिटा दिया हो। अगर वो मर जाएगा तो अपने इस घर में पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करेगी, ले जाकर के जेल में डाल देगी। भैया तो ले जाना तो मैं जेल जाऊंगा, तू चिंता क्या करती है? अगर आप जेल में चले जाएंगे तो आपकी इस बहन का ध्यान कौन रखेगा? भैया पहले क्या चाहती है ये बता मुझे। आप मेरी बात माने, आप अमित को कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ? आप जाइए थाने में, अमितवा और भाभी के नाम रिपोर्ट लिखवाइए, जो कुछ भी करेगा प्रशासन आकर करेगा भैया। अच्छी सलाह दिया तूने, अगर मैं जज्बात में कुछ कर बैठा तो मैं प्रशासन की नजरों में गिर जाऊंगा। तो हर भला ही सोचा, तो हमेशा भले के लिए सोचती है मेरे, तो चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ थाने पर, दोनों के खिलाफ रपट लिखाऊंगा, जब दोनों मेरी नजरों के सामने आएंगे तो मैं दोनों को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत इसी वक्त जा रहा हूँ। हमारे ऊपर हाथ छोड़ के अच्छा काम नहीं करे तो जिंदगी में अगर जहर घोल दे बाटे, अब समय के इंतजार बा कि गिलास उठाए को जहर कब तक पिए थे। मजा आएगा खेल में,
मजा आएगा खेल में और अमितवा जाएगा जेल में। मैं भी चलती हूँ, थोड़ा मालिश करती हूँ साबुन लगा के। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं कानपुर जिला का रहने वाला हूँ। ये मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जो ही अपने घर पहुंचा, क्या देखा, हमारे परम पिताजी चार पहिया पर लेटे आखिरी सांस ले रहे थे। उनका नाम मानी श्री शिवाकांत जी, वो चार पहिया पर लेटे आखिरी सांस ले रहे थे। मैंने देखा और उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे बतलाया कि बेटा अनिल कुमार, तू मेरा सगा लाल नहीं है। मैं ड्यूटी करके वापस अपने रूम पे आ रहा था तो पहाड़ी के नीचे तू बेहोश पड़ा था और मैं तुझे उठा लाया, तेरी परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, आज तू एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पर तैनात है। इतनी बातों को बताकर हमारे परम पिताजी दम तोड़ दिए, ले गया पिताजी की लाश का कफन दफन किया। वहां से ये हुआ बस आया, देखा तो मोबाइल पे मेरा मैसेज आ चुका था, मेरी पहली पोस्टिंग आगरा शहर के लिए हुई। आगरा शहर में 4 साल ड्यूटी किया, वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ, इलाहाबाद आया, इलाहाबाद में भी 4 साल ड्यूटी किया, आज इलाहाबाद से मेरा ट्रांसफर हुआ है, अकबरपुर जिला में थाना अकबरपुर मिला है। चल रहा हूँ, देखता हूँ कि अकबरपुर जिला कैसा है और हमारा वहां का स्टाफ कैसा है। ये काहे को ये ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ डाकू के नाम से जोर शोर से तहलका मचा हुआ है। चलता हूँ साथी, जय हिंद। दूर दराज से आए हुए नौटंकी प्रांगण में सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारतलाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात जो कि आज इस ग्राम सभा में दिन में मेला लगा और रात में मनोरंजन के लिए मेला कमेटी के मेला मालिक प्रधान जी, ग्राम के सभी नौक मिल करके हमारी पार्टी की याद किए, इस उपलक्ष में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी कलाकार आप लोगों के आभारी हैं। साथियों, उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एसपी द्विवेदी है, उत्तर प्रदेश अकबरपुर जिले का रहने वाला हूँ। अकबरपुर जिला अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक पद पर कार्यरत हूँ। जिला अस्पताल अकबरपुर में सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जैसे दवा वितरण, ऑपरेशन, महिलाओं का प्रसव, बच्चों का टीकाकरण, यानी यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। अस्पताल में काफ़ी स्टाफ भी उपलब्ध हैं, यदि कोई स्टाफ आता है तो मरीजों की हालचाल लेता हूँ कि अस्पताल के मरीज कैसे हैं। साहब डॉक्टर नमस्ते। साहब डॉक्टर नमस्ते। जी सर। वीरेंद्र। जी सर। पहले बताओ, तुम्हें अस्पताल में रहते कितना दिन हो गया? सर 4 साल। 5 साल? हाँ सर 5 साल। बोलने के यही तरीका है? नहीं, 5 साल कि साहब डॉक्टर नमस्ते 4 साल। तो सर डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते, ऐसा नमस्ते नमस्ते ऐसा बोला जाता है वीरेंद्र? रहते हमको 5 साल हो गए। हाँ इस तरह से कहा जाता है। 5 साल हो गया। ये बताओ कैसे हो? हम तो सर बढ़िया है। ठंडी तो नहीं लग रही है? सर और सीधे खड़ा हो। नहीं, पहले ही जोड़ गांठ कर लिया हूँ। कोई बात नहीं है, पर्चे काट रहे हैं तुम्हारा। अच्छा। हाँ
सर हाँ, ए मेरे पास कुछ मरीजों के पैसे आए हुए, आप उसको रखे रहिए। सुनिए हाँ, जितने पर्चा काटा है सबका ऑनलाइन हो चुका है जी सर, जी सर। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है जी सर। अस्पताल के मरीज कैसे हैं ये बताओ सर। मरीज हाँ, जब से सर आप यहाँ नियुक्त हुए हैं तब से मरीजों की लाइन लगी है। अच्छी बात है, सब मरीज तो ठीक है हाँ, केवल दो चार मरीज कोमा में चले गए हैं। नहीं वीरेंद्र, वो कोमा में नहीं गए हैं, उन्हें आराम मिल रहा है इसलिए वो सो गए हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि सुई लगने के बाद ही उठेंगे। अच्छा, कोई मरीज तो नहीं आया था अस्पताल में? आए थे। अच्छा अच्छा, कहाँ से? सोईराई से? नहीं चौनीलाल। नहीं नहीं, सोईराई से एक मरीज आया था। अरे एक औरत भी आई थी। वही वही सोईराई की औरत आई थी कोई? आई थी, आई थी। हाँ हाँ, वो बोली कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाना है। बेवकूफ हो, लेडीज और हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, उसके साथ कोई आदमी रहा होगा? एक आदमी था लेकिन बोल नहीं पाता। हाँ तो इसीलिए उन्होंने कहा तो कि डॉक्टर साहब इन्हें हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराना है। तो मैं उनको बताया हाँ, मैं बोला मैं डॉक्टर नहीं, मैं कंप्यूटर हूँ। कंपाउंडर? हाँ सर, मैं बोला कंपाउंडर हूँ हाँ, मैं इलाज नहीं कर सकता हाँ। तो बोली कि बहुत इनको तकलीफ हो रही है, हाइड्रोसिल इनका बढ़ता जा रहा है हाँ, बहुत तकलीफ है सर, आप इलाज करिए, कुछ उपचार करिए। तो क्या किया तुमने? तो सर हमसे बर्दाश्त नहीं, मैं उसको ऑपरेशन थिएटर में लिवा गया। ऑपरेशन थिएटर में लिवा गया, लेकिन सर गड़बड़ी ये हो गई हमसे। क्या गड़बड़ी हो गई? कि हाइड्रोसिल के बजाय मैं वॉशिंग का ऑपरेशन कर डाला। बेवकूफ हो क्या वीरेंद्र, जब तुम्हें नहीं मालूम था तो मुझको बुला लेते। सर मैं उसको बोला कि उल्टा लेट हाँ, लेकिन वो पेटकुनिया लेट गया। मैं 16 साल हाइड्रोसिल यही होता है। असर मैं बहुत सिर का ऑपरेशन किया, लेकिन गलती ये हो गई वीरेंद्र, इस तरह से मरीजों के साथ करोगे तो कोई मरीज मर जाएगा। कैंची रच गई बवासीर में, तो अब जब बार कैंची निकालूं तई बार भल्ले भल्ले खून निकले। मैं बोला अगर ऐसे ही कैंची निकालता रहूंगा तो पूरा इसका खून निकल जाएगा, मर जाएगा अपने आप ही। उसको 39 नंबर पे भर्ती कर दिया सर। वीरेंद्र हाँ सर, सबसे ज्यादा जरूरी है उसको देखना हाँ सर, वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ा सर लगाया हूँ। तो अगर थोड़ी देर यहाँ पर हाँ, ओपीडी में कुछ मरीज आए हुए हैं हाँ, उनको देख लेता हूँ, उसके बाद तुरंत उसको हाँ, सर, 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 उसको भी तकलीफ बढ़ती जा रही है जी सर। ये क्या मैं दिख रहा हूँ? कंपाउंडर साहब गेट पर खड़े हुए हैं, मैं इन्हीं से बात करता हूँ नींद में। अरे ओ भाई साहब, अरे ओ भैया, ओ भाई साहब, क्या बियात बात? बियात नहीं बल्कि बात है। क्या बात है? आप बड़े नींद में हैं इसलिए। क्या बात है भाई साहब? मेरा नाम अमित कुमार है भाई साहब। भाई साहब नहीं, गोरू साहब बोला। भाई साहब हाँ, भाई साहब मेरा नाम अमित कुमार है। अच्छा अच्छा, साथ में मेरी भाभी आरती आई है। तो क्या बात? डिलीवरी है। डिलीवरी है हाँ। गैस वाले हो क्या? आजकल हम गांव गांव यही बटता ही है। नहीं तो दवा ले क्या हो क्या? तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, यानी मेरी भाभी आरती के पेट में बच्चा है। बच्चा है हाँ। खैर अभी मैं सुबह बच्चे को डिस्चार्ज किया, मैं बोला सीधा अपने घर जाना बेटा, बहुत खुराफाती लड़का था। किस बच्चे की बात कर रहे हो तुम? वो घर ना जाके तुम्हारे भाभी के पेट में चला गया। पागल हो क्या यार? तो यार डॉक्टर साहब हैं हाँ। चलो हम कौन से मिलवाओ? एक रुपये पहले पर्ची कटाओगे, बस ऐसे डॉक्टर साहब से मिलवा। पर्ची कटेगी एक रुपये की? साहब पैसा देखिए, देख ला ले, चार रुपया वापस दे, पर्ची दे। ऑनलाइन काट दिया? वो काट रहे ना। ओ भाई साहब ऐसे कहते मान नाव गाँव नहीं पूछे। सोनू जी, सोनू जी
हाँ हाँ नीचे वाला 4 रुपया वापस देबे साहेब। अरे बाप रे दे रहा हूँ यार पर्ची। नहीं 4 रुपया दे। 4 ले बे। 4 रुपया दे ना। दे तो यार इनके साथ तू आ जागा। एक पढ़ के दिखा जो लिखा है। अच्छा सुनो देखो ये क्या लिखा है मैनेजर भारत लाल आगे क्या लिखा है। अरे लिखा है तुम्हारा नाम यार अमित कुमार। अच्छा 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 और क्या इसमें भारत लगे दूसरे के नाम है ना हुआ इनका दवाई लग रहे साहब। अच्छा दूसरे हमारा है। हाँ दूसरे नंबर देखो ये ऑनलाइन पर्ची है। चला साहब पहले मिलो पटलिया साला उसके लिए ये तो मैंने कहा नहीं। हाँ तो सुनो 4 रुपया दे दे। एक रुपया मैं अपने जेब से भर दूंगा और पहले रख। चलिए सर 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 जी क्या बात है वीरेंद्र। ये आदमी कोई भारी मर्ज लेके आया है। कोई मरीज लेके आया हुआ है। हाँ सर आप इससे बात करिए मैं थोड़ा मरीज। ठीक है सर मेरा नाम अमित कुमार है। जी थोड़ा अपना लाहा देंगे क्या वीरेंद्र। थोड़ा सा अपना आला देंगे क्या। आला सर मैंने कहा कि बोलने का तरीका सीख लो कैसे बोला जाता है। लो हम चेक कर ले। मेरा नाम अमित कुमार है साहब। जी मेरी भाभी आरती मेरे साथ में आई है प्रेग्नेंट है साहब। अच्छा अच्छा हाँ वीरेंद्र क्या बोल रहे हो। प्रेग्नेंट हमसे बोले कि भाभी के पेट में बच्चा है। अच्छा और डॉक्टर साहब से बोल रहे मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट तुम हो उनकी भाभी प्रेग्नेंट है। ये बताओ आला कहाँ लगाए हो। कान में। कहाँ है कान। ये कान अच्छे लगाया जाता है। तो सर किसे लगाया जाता है। नवा नवा हेलो 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 साहब मेरी भाभी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है साहब। चलकर आप देख लीजिए क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा है साहब। ठीक है वीरेंद्र कुमार सर 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 अपना सामान पकड़िए। सर मैं चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया। इनके भाभी के पेट में बच्चा है। हाँ बच्चा तो है। अब बच्चा सही सलामत है। अच्छी बात है। लेकिन इनके भाभी को तकलीफ क्यों हो रही पता है। क्यों किस लिए तकलीफ हो रही। बच्चे का हाथ पैर छोटा छोटा है सर। अच्छा। और बच्चे की मुंडी इतनी बड़ी है। ए सर मुंडी है ए पूरी मुंडी है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जितना काम मैं कहूंगा उतने काम तुम्हें करना है। जी सर। इनकी भाभी आरती के पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। उनको लिवा चलो महिला वार्ड में भर्ती करो। जांच की सारी प्रक्रियाएं पूरी करो मैं आ रहा हूँ। सुनो हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं जांच करवाना है। हाँ, हाँ। तो सही बात है। मेरे साथ चलो पहले अपने भाभी को लिवा के चीर घर। चीर घर क्या पोस्टमार्टम करना है बेवकूफ। महिला वार्ड में भर्ती करो अल्ट्रासाउंड और ब्लड जांच करना है मैं आ रहा हूँ। चलो भाई साहब चलो